हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस यानी कि एनसीजीजी की तरफ से। एनसीजीजी इंटर्नशिप लेकर के आया है फ्रेशर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एनसीजीजी इंटर्नशिप स्कीम के नाम से, ठीक है। तो एनसीजीजी क्या है? नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेल्प करता है। जो भी इनके डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे पब्लिक ग्रीवेंसेस से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, पेंशन से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ये हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है। उनके लिए ये काम करता है। तो ये जो है इंटर्नशिप लेकर के आया है यूथ के लिए, फ्रेशर्स के लिए, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए या फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स के लिए, ठीक है, ताकि म्यूचुअल बेनिफिट हो दोनों को। क्योंकि ये यहाँ पर यूथ को, जो न्यू जनरेशन है, उसको यहाँ पे इंडिया की नीड के अकॉर्डिंगली ट्रेन करेंगे और जो यूथ है उसको भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, उसको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही, ठीक है। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। अब चलिए देख लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगी हुई है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है और इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा और ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें चलिए देख लेते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से बात करते हैं हम आपके ड्यूरेशन से। तो ड्यूरेशन इसका 8 वीक्स टू 6 मंथ रहने वाला है, यानी मिनिमम 2 मंथ टू मैक्सिमम 6 मंथ आपका जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे काम करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आप उसको कभी भी इंटरव्यू में लगा देते हो, चाहे आप प्राइवेट में जाना चाहो या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहो, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलेगा कि आपके पास इतना अच्छा इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब है लॉजिस्टिक्स एंड सपोर्ट। तो ये क्या है? इंटर्न विल बी रिक्वायर्ड टू हैव देयर ओन लैपटॉप्स। एनसीजीजी शैल प्रोवाइड देम वर्किंग स्पेस, इंटरनेट फैसिलिटी एंड अदर नेसेसिटीज एज डीम्ड फिट बाय द कंसर्न्ड एडवाइज़र। तो आपको अपना लैपटॉप लेकर के जो भी ऑफिस है इनका, जो भी डिपार्टमेंट है, वहाँ आपको जाना होगा, काम करना होगा, आपको वाईफाई फ्री मिलेगा, ठीक है। ओके, अब क्या है? ऑनरेरियम, ठीक है। ऑनरेरियम मतलब क्या हो गया? आपका यहाँ पे क्या स्टाइपेंड वगैरह क्या मिलने वाला है, ठीक है। और कॉन्सोलिडेटेड ऑनरेरियम ऑफ 10,000 पर मंथ विल बी प्रोवाइडेड टू ईच इंटर्न टू कवर बेसिक कॉस्ट, द ट्रैवल, लॉजिंग एंड बोर्डिंग शैल बी अरेंज्ड बाय द इंटर्न्स ऑन देयर ओन अकॉर्ड, ठीक है। तो देखिए, ये ट्रैवलिंग का मतलब, देखिए ये आपको 10,000 पर मंथ देंगे, जिससे आपका जो भी खर्च होता है आने जाने का, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपका उसमें निकल आए, ठीक है। तो 10,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलने वाला है, ठीक है। अब है ऑब्लिगेशन एंड अटेंडेंस। द इंटर्न्स शैल बी इंटीग्रेटेड विद द डेली वर्किंग्स ऑफ द सेंटर विद एन इंडक्शन प्रोग्राम विद इन देयर वर्टिकल, ठीक है। तो आपको डेली यहाँ पे आपको वर्क करने के लिए जाना होगा, ठीक है। एवरी इंटर्न शैल बी असाइंड अ सुपरवाइज़र, आपको एक सुपरवाइज़र मिलेगा फ्रॉम देयर वर्टिकल फॉर असाइनमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ वर्क। तो आप सुपरवाइज़र के अंडर में काम करोगे, वो आपको काम सिखाएगा और आपके काम को इवेल्युएट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। मिनिमम 80% जो आपका अटेंडेंस उसमें ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जाना ज़रूरी होगा, ये नहीं कि आपने एडमिशन लेकर के फिर आप जा नहीं रहे हैं, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप का टर्मिनेशन क्यों होगा वो पढ़ लीजिएगा। आप बीच में छोड़ दोगे, कुछ गलतियाँ कर दोगे तो टर्मिनेट हो जाओगे। अच्छा, अब आ जाता है स्कीम रिव्यू। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आपको क्वालिफ़िकेशन के बारे में नहीं बताया, पहले मैं आपको क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आता है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी के बारे में बता दूँ, एनी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर द इंटर्नशिप शैल प्रोड्यूस अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द एनरोल्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन within India or abroad or to meet minimum eligibility for the application। तो आपको किसी न किसी ऑथेंटिक वेरीफाइड जो रजिस्टर्ड आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से आपको पढ़ाई की होनी चाहिए और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यह इंटर्नशिप शैल बी ओपन टू कैंडिडेट्स विद ग्रेजुएशन, students who are pursuing their post graduation and advanced academic degrees, students interested to intern as part of their dissertation capstone project in their curriculum of final year, or recent graduates awaiting their final degree certificates so far they have successfully appeared for their final year exam in the same academic year. Students enrolled in 4-5-year long courses of law and engineering can also apply for the internship during their final year of graduation. तो इनके कहने का मतलब ये है, या तो आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, या आपने रिसेंटली अभी आपने एग्ज़ाम दिया है, आप फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया हो और आप उसके रिज़ल्ट के लिए अभी वेट करे हो, या आप का रिज़ल्ट भी हो गया है और आप जो है पीजी के लिए वेट कर रहे हो, या किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए वेट कर रहे हो, या किसी इंटर्नशिप के लिए वेट कर रहे हो, मतलब फ्रेश ग्रेजुएट्स हो, ठीक है। तो या तो आप फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स हो या फ्रेश ग्रेजुएट्स हो। इसके साथ ही अगर आप लॉन्ग टर्म कोर्स कर रहे हो, जैसे लॉन्ग कोर्स कर रहे हो, लाइक आपका इंजीनियरिंग कर रहे हो या LLB कर रहे हो, तो उसके भी आपको फाइनल ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं। द एज ऑफ द कैंडिडेट शैल नॉट एक्सीड 30 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अप्लाई के समय आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंटर्नशिप प्रोग्राम इज़ ओपन फॉर ऑल इंडियन सिटीजन स्टडिंग इन इंडिया एंड अब्रॉड, ठीक है। एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन कैसे होने वाला है? द एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द इंटर्नशिप इज़ होस्टेड ऑनलाइन ऑन दिस लिंक एवरी मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक। तो आप एवरी फर्स्ट वीक यहाँ से आप जो लिंक दे रखा है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। द एप्लीकेशन कैन ओनली बी मेड 6 months इन एडवांस्ड बट नॉट लेटर दैन 2 months बिफोर द मंथ इन विच इंटर्नशिप इज़ डिज़ायर्ड। कहने का मतलब है कि जो इंटर्नशिप इनकी शुरू होगी वो इंटर्नशिप शुरू होने से 6 महीने से पहले से लेकर के इंटर्नशिप शुरू होने के 2 महीने पहले तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर सपोज़ कि अगस्त के में अगर आपका सपोज़ के लिए जुलाई में मान लेती हूँ, जुलाई में अगर आपकी इंटर्नशिप शुरू होनी है तो आपको इसमें मई तक अप्लाई कर देना है, 2 महीने पहले तक, और इसके 6 महीने पहले से लेकर के। यानी कि अगर आपको जुलाई के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप फेब से लेकर के मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब 6 महीने पहले से लेकर के 2 महीने पहले तक अप्लाई कर सकते हो। 2 महीने के बाद आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ जो 2 महीने का जो टाइम रहता है वो इनको प्रोसेस के लिए चाहिए, ठीक है, उनको शॉर्ट लिस्टिंग के लिए चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर आप अभी अप्लाई करते हो, ठीक है, जैसे कि आप ये है जून है, ठीक है, अगर आप जून में अप्लाई करते हो तो जून जुलाई अगस्त, अब आप अगस्त या सितंबर में जो इनका बैच स्टार्ट होगा तो आप उसके लिए होगे या उसके भी बाद के लिए होगे, ठीक है। तो 6 महीने से 2 महीने पहले तक का इनको समय चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो एवरी मंथ आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको जो इंटर्नशिप स्टार्ट होगी वो आपकी कुछ महीने बाद स्टार्ट होगी, ठीक है। द एप्लीकेशन कैन ओनली बी मेड 6 months इन एडवांस, चलिए ये इन्होंने बता दिया। फिर है एप्लीकेशन मस्ट फर्निश ऑल रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन विद इन एब्सोल्यूट ऑनेस्टी एंड, ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, आपको सही से अप्लाई करना है, इसमें कुछ भी चीज़ें गलत नहीं लिखनी है, छोड़नी नहीं है, सारी चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा और ये सारी चीज़ें जो है ऑनरेरियम जो है यानी आपका जो स्टाइपेंड है वो आपका 10,000 रुपये मिलने वाला है, ठीक है। तो 2 महीने से लेकर 6 महीने तक का प्रोग्राम है आपका, तो आपको उतने हिसाब से भी आपको ये स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। अब आ जाता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन तभी होगा, आप कुछ गलतियां करोगे, इसको देख लेना, ठीक है। स्कीम रिव्यू। NCGG रिजर्व द राइट टू रिव्यू द स्कीम एट एनी टाइम। द स्कीम सो रिव्यूड विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ नेशनल सेंटर फॉर दैट अप्रूवल। तो ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें देखिए कहीं भी कोई लोकेशन यहाँ पे नहीं दे रखी है कि ये दिल्ली के लिए है, यूपी के लिए है, साउथ के लिए है, इन्होंने खाली ये नेशनल हर जगह का है, ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए का है। तो ये भी काफ़ी चांसेस है कि आपका ऑनलाइन हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोई भी लोकेशन यहाँ पे नहीं दे रखी है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको। वर्क फ्रॉम योर होम सिटी से आप इसको वर्क कर सकते हो, ठीक है, और आपका जो भी आने जाने का ट्रैवल वगैरह का कुछ खर्च होता है तो वो उसके लिए आपको 10,000 रुपये दे ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लोकेशन सिटी कुछ भी नहीं दे रखी है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।